हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट सेटअप प्रायोरिटी। मींस अगर आप कैनन यूज़ कर रहे हो तो टीवी, अगर आप कोई और कैमरा जैसे सोनी या फिर निकॉन यूज़ कर रहे हो तो आपको एस मोड मिल जाएगा। आपके डायल में आपने देखा होगा कैमरे के ऊपर जो डायल होता है उसमें। तो ये वीडियो है कैमरा सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें हम बात कर रहे हैं शटर प्रायोरिटी के बारे में। तो बेसिकली आपने अगर पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपर्चर प्रायोरिटी के बारे में बताया था, उसमें क्या क्या होता है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सेम हम यहाँ पर भी वही बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अपर्चर प्रायोरिटी के टाइम पे क्लियर कर दी थी। सिंपली आपको अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर भी बता ही देता हूँ, सेटर प्रायोरिटी वाला मोड क्यों यूज़ करते हैं, हम सीधा मैनुअल में स्विच क्यों नहीं करते, बिकॉज आपको सेटर स्पीड की नॉलेज हो। अगर मैं आपसे कह दूँ आप सीधा एकदम सब सारे मोड सीख जाइए, ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको टाइम चाहिए उसके लिए। तो सेटर प्रायोरिटी और अपर्चर प्रायोरिटी, ये वो दो कंडीशंस होती हैं जो आपको मौका देती हैं आप उन चीज़ों को क्लियरली सीख सको, उन्हें टाइम दे पाओ, उनके यूजेस को समझ पाओ, इसीलिए उन मोड का यूज़ किया जाता है। अपर्चर प्रायोरिटी में अपर्चर का यूज़ होता है, शटर प्रायोरिटी में शटर स्पीड का यूज़ होता है। अब शटर स्पीड क्या होती है, ये टॉपिक अपने में बहुत अच्छा है, मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी आपको ये भी टॉपिक क्लियर कर दूंगा, बट मैं एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली शटर की स्पीड वो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें आपका शटर क्लोज होता है और आपके कैमरे में जितनी लाइट जाती है उसे वहीं पर रोकने का काम करता है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है जो इजीली समझ नहीं आएगी, और इसके लिए इसलिए कह रहा था कि इसका एक अपना टॉपिक होगा अलग से। शटर प्रायोरिटी का हम यूज़ किन कंडीशंस में कर सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं। शटर प्रायोरिटी का यूज़ हम उस कंडीशन में करते हैं जब आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मूव कर रहा हो और आपको एक अच्छी खासी उसे क्लिक करना हो क्लियरली, तब आप शटर प्रायोरिटी का यूज़ करते हैं। सपोज दैट आप मूविंग कार का खींच रहे हो या फिर कोई दौड़ रहा है इंसान, उसकी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो, तो इस टाइप की फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए आप शटर प्रायोरिटी का यूज़ करते हो। जब आपको अपर्चर की नॉलेज नहीं है या आपको ISO में टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप शटर प्रायोरिटी को यूज़ करते हो ताकि आप बस अपनी स्पीड को मैनेज कर सको और सब खुद हो जाए। सपोज़ कीजिए जब आप कोई स्पोर्ट्स फंक्शन में गए हो और आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है, तब आपको स्पीड का तो आइडिया आएगा बिकॉज आपको जल्दी खींचनी है, तो आप अपनी स्पीड को सपोज 250 आप अपनी स्पीड को 1/250 या 1/500 रख सकते हो, तो इतनी फास्ट स्पीड पे आप अच्छे खासे मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अगर आपकी सेटअप स्पीड आपको नॉलेज नहीं है, आपने हद से ज़्यादा बढ़ा दी, तो समटाइम ये थोड़ा सा मोशन ब्लर के साथ भी गड़बड़ कर जाती है। बिकॉज मोशन ब्लर एक नेचुरल ब्लर होता है, जो आप मोशन करते हो वो मूवमेंट को शो करता हो। सपोज दैट अगर आप देख रहे हो इस वीडियो में जो आपको ये देखेगा, ये मोशन ब्लर होता है हल्का हल्का, बट अगर मैं इसकी स्पीड को ज़्यादा कर दूँ, जो मैं नहीं करूँगा अभी तो फ़िलहाल बिकॉज कैमरा दूर है, बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियोस में। मोशन ब्लर की वजह से आपको कोई भी मूवमेंट नेचुरल फील होता है। तो मैंने आपको यूजेस बता दिए, आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की नीड है आपको शटर स्पीड की, कि आपको कैसे यूज़ करनी है। अपर्चर और ISO कैमरा खुद मैनेज कर लेगा। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, शटर प्रायोरिटी में प्रॉब्लम ये है, आपको बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिल पाएगा, आपको आइडिया नहीं होगा कि आपका अपर्चर क्या है, बिकॉज वो आपकी शटर स्पीड के हिसाब से तय होता है। बार बार शटर स्पीड चेंज करके अपने अपर्चर को चेक करने बैठोगे तो मूवमेंट वो निकल जाएगा जब आपको पिक्चर क्लिक करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम एक बार शटर स्पीड चेक कर लेंगे और वो रख के छोड़ देंगे, बट अगर आप बाहर शूट कर रहे हो तो वहाँ पर लाइटनिंग आपकी बार बार चेंज होती रहती है, आप एक बिकॉज सन आपके हिसाब से नहीं चलता है, तो लाइटनिंग जब जब चेंज होगी, आपकी अपर्चर आपका ISO दोनों चेंज होते रहेंगे, तो आपकी शटर स्पीड आपको ऑटोमेटिकली चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मान लीजिए आपको जब आप बाहर आउटडोर में शूट कर रहे हो हार्ड लाइट में, बहुत जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी लाइटनिंग है, वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है शटर प्रायोरिटी के साथ। ये वही बात हो गई, अपर्चर के साथ आपको लो लाइट में प्रॉब्लम होगी, शटर स्पीड के साथ आपको हाई लाइट में। हाई लाइट का मतलब
बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें इस चैनल को ग्रो करने में, बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ।